नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग से बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इस बात का पता चल चुका है कि रूस के कुछ बेहद अहम मिसाइल बेस अचानक खाली होने लगे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइल बेस से सैकड़ों की तादाद में वॉर मशीनरी को यूक्रेन की तरफ रवाना किया जा रहा है, यानी यूक्रेन से लगातार मिल रहे जख्मों को भरने के लिए पुतिन ने अब ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने की ठान ली है। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्या यूक्रेन में पुतिन कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या ज़ेलेंस्की को सबक सिखाना चाहते हैं पुतिन? क्या है रूस से आई सैटेलाइट तस्वीरों का सच? ये रूस के सबसे बड़े शहर से आई वो तस्वीरें हैं जिसने अमेरिका और यूक्रेन को परेशान कर दिया है। ये वो सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो यूक्रेन में पुतिन की खौफनाक प्लानिंग की तस्दीक कर रही हैं। ये ऐसी तस्वीरें हैं जिनमें यूक्रेन की तबाही और बर्बादी की नई कहानी आकार ले रही है। रूसी सेना को 20 सालों से मॉनिटर कर रहे रिटायर्ड मेजर मार्को का दावा है कि रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग के मिसाइल बेस से धीरे धीरे वॉर मशीनरी गायब होने लगी है। रिटायर्ड मेजर मार्को का दावा है कि रूस के मिसाइल बेस के खाली होने का मतलब यूक्रेन में किसी बड़ी अनहोनी से हो सकता है, क्योंकि अगस्त 2021 और सितंबर 2022 की इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि महज 1 साल पहले तक रूस का जो मिलिट्री बेस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से भरा पड़ा था, उसे अचानक खाली कर दिया गया है। सितंबर 2022 की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 12 S-300 फायरिंग प्लेटफॉर्म अब खाली हो चुके हैं। रेडार इक्विपमेंट भी यहां से गायब हो चुके हैं। मिलिट्री से जुड़ी गाड़ियां कहीं और शिफ्ट की जा चुकी हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर रिटायर्ड मेजर मार्को ने दावा किया है कि इस मिसाइल बेस पर तैनात पूरे बारूदी जखीरे को यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिया गया है। बताया जा रहा कि सेंट पीटर्सबर्ग के इस बेस पर अगस्त 2021 तक 14 एंटी एयरक्राफ्ट बैटरी रखी हुई थी, जिनमें से 4 एंटी एयरक्राफ्ट बेस अब खाली हो चुके हैं। सबसे बड़ा बदलाव सेंट पीटर्सबर्ग के साउथ वेस्ट में देखा गया है, जहां 500वीं एंटीक्राफ्ट मिसाइल रेजिमेंट से 2 एंटीक्राफ्ट बैटरी गायब हो चुकी है। इसके अलावा करीब 100 मिसाइलों वाले 25 मिसाइल कंटेनर को भी यहां से शिफ्ट कर दिया गया है। यूक्रेन के लिए चिंता की बात यह है कि जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें शिफ्ट की गई हैं, वो S-400 और S-300 जैसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़ी हैं। यूक्रेन में तहलका मचाने वाले इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में रिटायर्ड मेजर का दावा है कि S-300 जैसे पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन युद्ध में खपाने के लिए बड़े पैमाने पर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इन मिसाइलों को रूस ग्राउंड टारगेट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। सरफेस टू एयर इस मिसाइल के बूते यूक्रेन में बड़े पैमाने पर आम लोगों को निशाना बनाया जा सकता है, यानी जिस बात की आशंका पहले जाहिर की जा रही थी, अब वो इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए सच साबित होती दिखाई दे रही है। और वो ये कि कभी भी यूक्रेन के खिलाफ पुतिन S-300 की पूरी ताकत झोंक सकते हैं, जिस वजह से यूक्रेन को आने वाले दिनों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध पर बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा है और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के पलटवार से पुतिन घबराया हुआ है। साथ ही रूस के खिलाफ यूक्रेन को बड़ी कामयाबी भी मिली है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपनी बात में किया है। और इस बीच बहुत बड़ी जानकारी आ रही है, पुतिन को लड़ने वालों की तलाश है। ये बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जा सकता है कि झटका माना जा सकता है रूस के हवाले से, अगर ये खबर सामने आ रही है। अमेरिकी अधिकारी का ये दावा है, क्या रूस के भाड़े के सैनिक भी यूक्रेन में जंग से कतराने लगे हैं? क्या यूक्रेन का पलटवार वैगनर ग्रुप जैसा खतरनाक लड़ाकों को भी युद्ध में जाने से रोक रहा है? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने रूस के भाड़े के सैनिकों को लेकर बहुत बड़ी खबर का पर्दाफाश किया है और उस खबर के मुताबिक अब रूस को सैनिक नहीं मिल रहे हैं जंग लड़ने के लिए।
के ऑर्डर की अनदेखी। पुतिन की धमकियां बेअसर। क्यों डर गई पुतिन के भाड़े की सेना? अब से कुछ दिनों पहले तक जिस रूस का यूक्रेन में हौसला बुलंद था, अब से कुछ दिनों पहले तक जो रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, अब वही रूस यूक्रेन में बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। अब उसी रूस के पांव यूक्रेन की उस धरती से उखड़ने लगे हैं जहां पुतिन अपने पांव जमाने की कोशिश में जुटे हुए थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि अब रूस जिस किराए की सेना को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, अब उन सैनिकों ने भी यूक्रेन में लड़ने से मना कर दिया है। यानी यूक्रेन में लगातार पिट रही रूस के सेना के आका के ऑर्डर की भी अब लगातार अनदेखी की जा रही है। अमेरिका से आई एक आधिकारिक जानकारी के मुताबिक पुतिन यूक्रेन में एक बार फिर भाड़े के सैनिकों को भेजना चाहते हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कई भाड़े के सैनिकों ने जंग में जाने से ही मना कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जेल में बंद कैदियों को यूक्रेन भेजने की तैयारी की जा रही है। कैदियों को युद्ध लड़ने की एवज में जेल से आजाद करने का लालच भी दिया जा रहा है। खुद पुतिन की प्राइवेट आर्मी माने जाने वाला वैगनर ग्रुप 1,500 भाड़े के सैनिकों की तलाश कर रहा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग युद्ध में जाने से साफ मना कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन में लड़ते लड़ते ना सिर्फ पुतिन की वॉर मशीनरी का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है, बल्कि अब तक रूस के कई सैनिक भी मारे जा चुके हैं। यही वजह है कि रूस के पास अब सैनिकों की भारी किल्लत हो रही है, जिसके चलते पुतिन के बेहद करीबी येवगेनी प्रिगोजिन ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि येवगेनी को इन दिनों रूस की जेलों में देखा जा रहा है, जहां वो कैदियों को यूक्रेन जाने के लिए धमकाते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यूक्रेन में 6 महीने की सेवा करेंगे तो आपको आजाद कर दिया जाएगा। अगर आप यूक्रेन पहुंचते हैं और तय करते हैं कि ये युद्ध आपके लिए नहीं है, तो हम आपको मार देंगे। उधर यूक्रेन में लगातार मुंह की खाने के बाद पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन को सबक सिखाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि अपने इन्हीं खतरनाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब रूसी सेना ने यूक्रेन के परमाणु प्लांट के बेहद करीब मिसाइल हमला किया है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूस ने ये मिसाइल हमला परमाणु प्लांट से 1,000 फीट से भी कम की दूरी पर किया है। यानी यूक्रेन के खिलाफ अपनी क्रोध की ज्वाला को शांत करने के लिए पुतिन अब किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं।